गाजीपुर में गंगा का जल स्तर तेजी से बढ़ने का क्रम जारी है। गंगा का पानी जहां एक तरफ कई ग्रामीण क्षेत्रों में घुस गया है, वहीं दूसरी तरफ अब नगरीय इलाकों में भी बाढ़ का पानी जनजीवन अस्त व्यस्त कर रहा है। पानी इतना बढ़ गया है कि इसके कारण रेल कम रोड ब्रिज का निर्माण कार्य कई दिनों से ठप पड़ा हुआ है। इतना ही नहीं बल्कि गंगा नदी के किनारे रखे रेलवे विकास निगम लिमिटेड के 90 ट्रेसल भी बाढ़ के पानी में बह गए। इसके अलावा किनारे गिराए गए लगभग दर्जनों ट्रक मिट्टी भी गंगा में समाहित हो गई। जल स्तर बढ़ने से रेल सह रोड ब्रिज का काम पिछले 8 दिनों से ठप है। गाजीपुर रेल कम रोड ब्रिज। मेदिनीपुर गंगा के किनारे RVNL का पूरा प्लांट लगा हुआ है। यहाँ अत्याधुनिक मशीनों के साथ कुछ वाहन भी हैं। 2 दिन पूर्व तेजी से पानी बढ़ने लगा, इससे वाहन भी उसी में फंसे हुए हैं। प्लांट में रहने वाले सभी मजदूरों ने मेदिनीपुर में ही दूसरे जगह अपना ठिकाना बना लिया है। पानी में डूबे मशीन बहे नहीं, इसके लिए उसे इधर उधर से बांध दिया गया है। RVNL के PD सत्यम कुमार ने बताया कि 8 दिन से काम ठप है। ट्रेसल के गंगा में बह जाने से करीब 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।